दोस्तों यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में ये बड़ी जानकारी मिल रही है। गिरफ्तार अधिकारियों की भूमिका की जांच अब विजिलेंस की टीम करेगी। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने ये निर्देश दे दिए हैं। विजिलेंस के अधिकारियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व सचिव संतोष बडोनी, पूर्व नियंत्रक नारायण सिंह डांगी और इनके साथ अन्य तीन अधिकारियों की लापरवाही सामने आई थी और पेपर लीक मामले में गिरफ्तार अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति का भी खाका विजिलेंस की टीम निकालेगी। अधिकारियों की जांच कराने की शासन ने विजिलेंस को मंजूरी दे दी है। भर्ती परीक्षा धांधली के मामले में अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। विजिलेंस विभाग की ये टीम जो है जांच इस पूरे मामले पर करेगी और बड़े अधिकारियों का नाम भी इसमें सामने आया है। तो देखिए यूके ट्रिपल एससी भर्ती परीक्षा में धांधली के बाद शासन का बड़ा फैसला सामने आया है। पुलिस विभाग की जो सभी भर्तियां हैं अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा और 8 भर्तियों पर लगी रोक के बाद पुलिस विभाग की सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की होने वाली भर्तियों को संघ लोक सेवा आयोग के जरिए कराया जाएगा। यूके ट्रिपल एससी के जरिए कराई गई पुलिस विभाग की भर्तियों के परिणामों पर संशय बरकरार है और पुलिस विभाग में पिछली भर्तियों के परिणामों पर भी शासन की ओर से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और चलिए विनोद लगातार इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा लाइव। विनोद, देखिए कई भर्तियों का फैसला आना है, उन पर संशय बरकरार है। पहले तो उनके बारे में जानकारी दीजिए कि उनका क्या होगा और आने वाले समय में क्या बड़े फैसले इनसे संबंधित सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं। जी, राज्य सरकार का देखिए आईयूसी ये बड़ा फैसला है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो भर्ती परीक्षा धांधली का मुद्दा गरमाया हुआ था तो उसके बाद में अब ये तैयारी की जा रही है कि जितनी भी 8 परीक्षाएं अधर में लटकी हुई है उनको अब लोक सेवा आयोग की तरफ से के द्वारा कराए जाए, जिसकी तैयारी चल रही है। हालांकि आज कैबिनेट बैठक में भी ये निर्णय हो सकता है, लेकिन एक बड़ी तैयारी की जा रही है क्योंकि लाखों युवा इंतजार कर रहे हैं कि वो आखिरकार परीक्षाएं कब होगी। और यूके ट्रिपल एससी में जिस तरह से भर्ती धांधली हुई है उसके बाद में राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब लोक सेवा आयोग के द्वारा ही ये भर्ती कराई जाए। और ख़ासकर जिस तरह से अभी बात करें तो अभी हाल ही में पुलिस विभाग में रैंकर परीक्षा हुई थी, यानी भर्ती हुई थी, उसका अभी तक परिणाम नहीं आया है और रैंकर परीक्षा भी यूके ट्रिपल एससी के द्वारा ही कराई जाती थी। तो अब तक उसके जो परिणाम आना है तो परिणामों पर भी संशय बरकरार है कि आखिरकार वो परीक्षा रद्द होगी या उसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, उस पर संशय बरकरार है। लेकिन अभी आगामी वन विभाग की बात करें या तमाम अन्य अलग अलग डिपार्टमेंट से जो भर्तियां होनी थी, 8 भर्तियां हैं जो अभी लोक सेवा आयोग के द्वारा कराने की तैयारी की जा रही है। और खासकर पुलिस विभाग की बात करें तो अभी रैंकर परीक्षा होनी थी, विजिलेंस को भी अभी आदेश दिए गए हैं कि जो भी कर्मचारी इसमें लिप्त पाए गए हैं, जिन भी कर्मचारियों की भूमिका इसमें देखने को मिल रही है उन पर भी आगे आने वाले समय में गाज गिर सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, देखिए कल आईओसी मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने विजिलेंस डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को बुलाया था और उनसे बातचीत भी की है। और जिस तरह से अभी यूके ट्रिपल एससी पूरे मामले में 35 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें कुछ अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, तो उनकी आखिरकार किस तरीके की संलिप्तता है तो विजिलेंस उसकी जाँच करेगी। और अगर बात करें तो 3 अधिकारी ऐसे हैं जो पूर्व सचिव संतोष बडोनी है, नारायण सिंह डांगी है और तमाम ऐसे 3 अधिकारी हैं जिनकी संलिप्तता की लापरवाही देखने को यहाँ पर मिल रही है, तो विजिलेंस उनकी जांच करेगी। और ये भी जानकारी मिल रही है कि सुखबीर सिंह संधू ने तमाम दिशा निर्देश ये भी दिए हैं कि जो भी अधिकारी कर्मचारी जिनकी आय से अधिक संपत्ति जिन्होंने अर्जित की है तो उन पर विजिलेंस मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेगी। तो लिहाजा अभी पूरा मामला गरमाया हुआ है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है और वैसे वैसे नए नए खुलासे पूरे मामले पर होते आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद विनोद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक और भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पौड़ी में प्रदर्शन किया है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कॉलेज के छात्र छात्राएं भी शामिल रहे। इनका कहना है कि एक तरफ पढ़े लिखे युवा मेहनत करके नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं तो वहीं बैक डोर से भर्तियां की जा रही है जो कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और ऐसे में इन धांधलियों की CBI से जांच करवाई जाए। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं सफेदपोशों को बचाने का काम कर रहे हैं क्योंकि 35 से 36 लोग अभी गिरफ्तारी हुआ है, लेकिन इसमें जो नेता जिनके सह पे ये काम किया जा रहा था उनको अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है, ना ही मुख्यमंत्री इस पर कोई स्पष्टीकरण दे रहे हैं। प्रदेश के पूर्व
जो शिक्षा मंत्री थे अरविंद पांडे जी, उन्होंने बिहार से अपने नाते रिश्तेदारों को बुला के सांठ गांठ करके सेटिंग के द्वारा उनको उत्तराखंड में रोजगार देने का काम किया है। कहीं ना कहीं यह उत्तराखंड के युवाओं के साथ एक ठगी है। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भर्तियों को लेकर एक और बयान दिया है, जिसके बाद वो विपक्ष के निशाने पर है। दरअसल महेंद्र भट्ट ने ये कहा है कि छोटे राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हर दिन मंत्रियों पर आरोप लगते हैं और लगाए जाते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जनादेश हमारे पक्ष में आता है। महेंद्र भट्ट के बयान पर अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा को घमंड आ गया है। छोटे राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रत्येक दिन मंत्रियों पर आरोप लगते हैं, लगाए जाते हैं, लेकिन जनादेश हमारे पक्ष में आता है। हमारे पक्ष में क्योंकि जनता को विश्वास है, जनता को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास है, हमारे मंत्रियों में विश्वास है, वो हमारे पक्ष में है। ये ठीक है कि जब ऐसे विषय आते हैं तो हम स्वयं अपने मंत्री से वार्ता करते हैं कि विषय की सच्चाई क्या है, इस संदर्भ वार्ता हो रही है, चाहे राष्ट्राध्यक्ष से हो रही हो, चाहे मुझसे हो रही हो, सारे विषय चर्चा का होते हैं। तो गलत तो हम ना बर्दाश्त करते हैं और ना गलत होने देते हैं। लोगों को लगता है कि राज्य को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन हो इसके उल्टा रहा है। प्रदेश के अंदर जो है भ्रष्टाचार चरम पर है, विकास खोजने पर भी नहीं दिख रहा है और बेरोजगार नौजवानों के साथ क्या हो रहा है ये पूरा प्रदेश आज जान रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो घमंड है, जो जन विरोधी जो इनकी भावना है, जो इनकी मानसिकता है, आज उसकी पोल पट्टी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।